Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about the sex determination. Okay, so sex determination जो plants में होता है तो हम उसका एक example लेकर फिर उसके बारे में detail जो है study करेंगे. एक crop है या जो एक flowering crop है उसका हम example लेंगे. So हम start करते हैं. So today's learning जो objectives हैं वो ये है कि understand the sex determination mechanism in plants. Plants में जैसे कि मैंने बताया main जो topic है हमारा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है, सेक्स का निर्धारण कैसे होता है, किसी प्लांट में क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है तो उसे समझना है. देन सेक्सेस ऑफ द जो मेलेंड्रियम एल्बम है, हमने आज एग्जांपल क्या लिया है, मेलेंड्रियम एल्बम जो प्लांट है उस जो एक फ्लावरिंग प्लांट है उसे लिया है. उससे उसके इस प्लांट्स के द्वारा हम सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है देखेंगे. एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन जो भी मेलेंड्रियम एल्बम है उसमें कैसा हो रहा है, पहले तो किस टाइप के सेक्सेस है उसमें, ठीक है, मेल फीमेल. देन उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे. एंड देन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एज वी ऑल नो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दे आर द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम. सो इनके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनके स्ट्रक्चर जो है कैसे होते हैं, एग्जाम्पल जो है हमारा है मेलेंड्रियम एल्बम एंड वाई क्रोमोसोम, इट्स सेगमेंट एंड इसका फंक्शन क्या है. एक्स क्रोमोसोम, इट्स सेगमेंट एंड उसके जो फंक्शंस हैं, कार्य क्या है उसके. एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द मेलेंड्रियम, मीन्स हाउ द फीमेल एंड मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसका विकास कैसे हो रहा है, किसी भी जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है या प्लांट्स जो होते हैं उसमें पौधों में कैसे हो रहा है उसका डेवलपमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे आज. तो बेसिकली जो भी मेन पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे आपको शो ऑफ कर दिए, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इन मेलेंड्रियम, एक हमने एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैं हर क्रॉप का तो आपको नहीं बता पाऊँगी. सो एक क्रॉप का हम देखेंगे सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत ही चेंजेस आते हैं, ठीक है. सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है प्लांट्स में उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं. दैट इज़ द मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोनोशियस. मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बताया है ये टर्म्स. मोनोशियस मीन्स टू से कि जब एक ही जो प्लांट है, ठीक है, मतलब एक ही पौधे में डिफरेंट पोजीशंस में, एक जो प्लांट है उसकी डिफरेंट पोजीशन में फीमेल एंड मेल जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होगा. मतलब एक ही प्लांट में तो होगा दोनों ऑर्गन, मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही प्लांट में होगा, लेकिन उसके जो मतलब पोजीशन रहेंगे, स्थान जो रहेगा या प्लेस बोल सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा. हो सकता है मेल फ्लावर किसी और जगह पे हो और फीमेल फ्लावर किसी और जगह पे हो, ठीक है. एक ही फ्लावर में मतलब अगर दोनों ऑर्गन होंगे, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, दैट इज द एंडोशियम एंड गायनोशियम, अगर वो एक ही फ्लावर में होंगे, इट मींस वो परफेक्ट फ्लावर है. बट जो मोनोशियस प्लांट रहता है उसमें एक प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में, अलग अलग फ्लावर में फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स रहते हैं. एंड डायोशियस प्लांट में क्या होता है, अलग अलग प्लांट में एक में फीमेल ऑर्गन रहेगा एंड एक प्लांट में मेल ऑर्गन रहेगा. सो ये आपको ये टर्म क्लियर हो गया. देन ओनली अबाउट 6% ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स आर डायोशियस. एंजियोस्पर्म जो रहते हैं उनमें सीड कोट पाया जाता है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है. और जो मतलब एंजियोस्पर्म रहते हैं उसमें ओनली 6% जो रहते हैं वो डायोशियस रहते हैं, जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको बताया. देन स्टडीज ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वर डन इन द वेरी फ्यू प्लांट्स. कुछ ही प्लांट्स में हुआ क्योंकि बहुत ही ईजी नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन करना, तो इसकी स्टडी जो है बहुत कम प्लांट्स में हुई है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोशिनिया, एस्पेरेजस एंड मेलेंड्रियम जो है, जो हम एग्जाम्पल आज ले रहे हैं मेलेंड्रियम का. देन मेलेंड्रियम एल्बम और जो सिलेने लैटिफोलिया, दैट इज उसका सेनोनम है, इट इज़ अ डायोशियस प्लांट. ये क्या है, एक डायोशियस प्लांट है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में, अलग अलग प्लांट में एक में फीमेल ऑर्गन होगा एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा. इट इज़ अ मॉडल प्लांट इन अ जेनेटिक फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन स्टडी ऑफ द प्लांट. कभी आपके पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, विच प्लांट इज अ जेनेटिक, मतलब मॉडल प्लांट फॉर द जेनेटिक जेनेटिक्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो याद रखिएगा मेलेंड्रियम एल्बम जो है इट इज़ द मॉडल प्लांट. देन मेलेंड्रियम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ
सॉरी क्रायोफाइलेसी, ठीक है। फैमिली का भी नाम आप याद रखिएगा, क्रायोफाइलेसी, और मॉडल प्लांट होता है वो भी आप याद रखिएगा। देन डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द मेलेंड्रियम एल्बम, जो इसका 2n होता है, डिप्लॉयड मतलब होता है 2n, ठीक है। 2n जो होता है इसका वो होता है 24, सो n तो क्लियर है आपको कि 12 होगा, 2n इसका 24 है, n इसका 12 होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं मेलेंड्रियम एल्बम में। ये आपका मेलेंड्रियम एल्बम जो रहता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसका सेनानोम्स भी मैं बता चुकी हूँ, तो आपका नीचे जो दिया है वो उसका सेनानोम्स है। एंड देन मेलेंड्रियम एल्बम सो सेक्स क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सो करता है, याद रखिएगा। एंड हैव अ एक्स और एंड वाई सेक्स क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू द ड्रोसोफिला एंड ह्यूमेंस। जैसा कि ह्यूमेंस में भी एक्स एंड वाई जो रहते हैं दे आर द सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है। एंड ड्रोसोफिला में भी सेम रहता है। देन मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जो कि हमारे ह्यूमेंस में एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम रहता है। बट सेक्स डिटर्मिनेशन जो रहता है प्लांट्स में वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है यूजुअल जो रहता है उस सिस्टम से। इन द मेलेंड्रियम एल्बम क्या होता है कि डबल ए एक्स एक्स इंडिविजुअल विल बी फीमेल, याद रखिएगा। डबल ए डबल एक्स जो कि दोनों कैपिटल हैं दे आर द फीमेल, एंड डबल एक्स एंड एक्स वाई इंडिविजुअल विल बी मेल। तो ये यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये। एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है कि वाई क्रोमोजोम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द जो मेलेंड्रियम एल्बम है। वाई क्रोमोजोम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पर। एंड वाई क्रोमोजोम कंटेन टू मेन जीन्स, तो वाई क्रोमोजोम क्या करता है, कंटेन टू मेन जीन जो रहते हैं, इसीलिए ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज दे हैव अ टू मेजर जीन, दैट इज द मेल डिटर्मिनेशन, जो मेल डिटरमाइनिंग जो जीन है वो, एंड एक फीमेल सप्रेसिंग। बिकॉज द वो मेल को डिटरमाइन कर रहा है, मेल को शो ऑफ कर रहा है, तो इट मींस उसके पास कुछ ऐसे जीन भी हैं जो फीमेल कैरेक्टर को सप्रेस कर रहे हैं। तो दे बोथ जीन आर हैव इन द एक्स जो वाई क्रोमोसोम कंटेन करते हैं ये दोनों जीन को, तो दोनों जीन रहते हैं उसको। देन बोथ आर द नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन मतलब फर्टाइल एंथर इन द मेल प्लांट। ये जो दोनों जीन्स हैं दे आर नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल एंथर। अगर फर्टाइल एंथर प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेल प्लांट मतलब जो है अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। एंड सिंस द फीमेल इंडिविजुअल्स आर होमोगेमेटिक द सेग्रीगेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स अकर ओनली इन द मेल इंडिविजुअल ड्यूरिंग द म्यूसिस। जो सेग्रीगेशन होता है एक्स एंड वाई क्रोमोजोम्स का वो केवल और केवल म्यूसिस के टाइम पे मेल इंडिविजुअल्स में होता है। फीमेल जो रहते हैं दे आर द होमोगेमेटिक, एक्स एक्स रहते हैं, ठीक है। बट मेल हमने बताया था एक्स एंड वाई रहते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्स वाई कैरेक्टरिस्टिक के कारण दे आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द म्यूसिस। देन प्लांट्स विल जो प्लांट्स रहते हैं विद द डबल ए एक्स वाई क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन आर द मेल, जैसा कि इससे पहले बताया गया। एंड समटाइम्स डबल ए एक्स वाई जो रहते हैं इंडिविजुअल विल बी हार्मोफ्रोडाइट और जो एंड्रो हार्मोफ्रोडाइट्स मीन्स समटाइम जो हार्मोफ्रोडाइट मतलब होता है कि जब एक ही जो फ्लावर में एक प्लांट के एक फ्लावर में बहुत ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब फीमेल एंड मेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, दे आर द परफेक्ट फ्लावर और हार्मोफ्रोडिक्टिव फ्लावर। तो समटाइम ए ए एक्स वाई क्या होता है, हार्मोफ्रोडिक्टिव भी होता है और एंड्रो हार्मोफ्रोडाइट भी होता है, मीन्स उसमें मेल भी होगा एंड हार्मोफ्रोडाइट भी हो जाएगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ द बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल इन ए ए एक्स वाई इंडिविजुअल मे बी ड्यू टू द फर्स्ट है म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द फीमेल सप्रेसिंग जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, एंड सेकेंड इज द चेंज इन द डीएनए मेथाइलेशन जो पैटर्न है उस कारण से जो फॉर्मेशन हो रहा है बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल जो ए एक्स वाई। ये क्यों क्यों होता है, क्योंकि पहला इसके दो रीज़न है बेसिकली। सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल का मतलब ही हार्मोफ्रोडाइट होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया कि समटाइम हार्मोफ्रोडिक्टिक और एंड्रो हार्मोफ्रोडिक्टिक जो है वो भी प्रोडक्शन होता है। तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समटाइम म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मीन्स टू द सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस होते हैं, मान लो किसी जीनोम्स जो सीक्वेंस है उसमें और या किसी जीन में। एंड समटाइम डिलीशन होता है, इससे पहले मैंने जो जस्ट वीडियो डाला है उसे आप देखिएगा, उसमें मैंने डिलीशन क्या है ये बताया है। तो डिलीशन हो जाता है फीमेल सप्रेसिंग जो जीन रहता है इसलिए, ठीक है। वाई क्रोमोसोम में जो दो जीन थे मैंने बताए थे, एक जो जीन था वो
जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, मेल डिटरमाइनिंग जीन था, सेकंड जो था फीमेल सप्रेसिंग जीन था। तो समटाइम क्या होता है कि फीमेल सप्रेसिंग जीन क्या होता है, हो सकता है कि वो डिलीशन हो जाता है उनका ऑन द वाई क्रोमोजोम में, इस कारण बाइसेक्सुअलिटी अकर होती है। एंड समटाइम जो डीएनए का मैथाइलेशन पैटर्न रहता है उसमें चेंजेस अकर होते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियर। देन मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेलेंड्रियम एल्बम, वट आर द मैकेनिज्म, ठीक है, दैट इज डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द मेलेंड्रियम एल्बम। फर्स्टली इट इज प्रपोज बाय द सॉरी वार्म के एच ई, ठीक है, या फिर एच ई वार्म के ने दिया था, मे बी नाम उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आप स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट रखिएगा। एंड 1946 में, ईयर याद रखिएगा, तो डबल जो ए एंड एक्स एक्स इंडिविजुअल्स विल बी फीमेल एंड जो डबल ए एक्स वाई इंडिविजुअल्स विल बी मेल, ये बार बार आएगा, तो आपको याद रखना, मतलब याद हो जाएगा, ये बार बार आपको रटने की नीड नहीं आएगी। देन प्लांट्स मे बी डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड ऑन टेट्रापोलाइट, ठीक है, 2N, 3N, and 4N हो सकता है, इसका मीन्स यही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलाइडी ऑफ द क्रोमोजोम्स, द प्रेजेंस ऑफ सिंगल वाई क्रोमोजोम प्रोड्यूस मेल प्लांट्स, ठीक है, मीन्स अगर सिंगल वाई क्रोमोजोम्स है तो वो मेल प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा। दस द एक्स वाई एक्स एक्स वाई मे बी ट्रिपल एक्स वाई इंडिविजुअल विल बी मेल, एक एक्स जो है सिंगल जो सॉरी सिंगल वाई क्रोमोजोम नॉट अ एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम प्रोड्यूस करेगा मेल प्लांट्स। देन हाउ एवर एक्स 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 वाई इंडिविजुअल्स विल बी हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाईसेक्सुअल, इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन एंड जो सप्रेस फीमेल जीन्स थे उसमें क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकता है वाई क्रोमोजोम पे, इससे पहले मैंने बताया आपको। दिस शो दैट वन वाई क्रोमोजोम इज इक्वल टू द 4X क्रोमोजोम, मीन्स वन वाई जो एक्स क्रोमोजोम है इट इज़ इक्वल टू द 4 जो भी एक्स क्रोमोजोम है उसके इक्वल है, जो एक वाई क्रोमोजोम है वो 4 गुना है एक्स क्रोमोजोम के, अगर हम हिंदी में बोले तो। देन इन द मेलेंड्रियम एल्बम द वाई क्रोमोजोम इज लॉन्गर देन द एक्स क्रोमोजोम, एज यू सी इन द पिक्चर्स वाई क्रोमोजोम इट इज लॉन्गर देन द एक्स क्रोमोजोम, एंड देन एक्स एंड वाई क्रोमोजोम फॉर्म अ हमो जो भी हार्मो सॉरी फॉर्म अ हेट्रोमॉर्फिक, मतलब डिफरेंट फॉर्म के, हेट्रो मतलब डिफर करने वाले, सिमिलर नहीं रहते, मॉर्फिक मतलब उसके स्ट्रक्चर, तो ये हेट्रोमॉर्फिक बाइवेलिन बनाते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस के टाइम पे। तो याद रखिएगा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम मियोसिस के टाइम पे हेट्रोमॉर्फिक बाइवेलिन बनाते हैं, एंड एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर डिवाइडेड इंटू द 5 सेगमेंट, एज यू सी इन द पिक्चर दे आर डिवाइडेड इंटू द 5 सेगमेंट्स, दिस सेगमेंट्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन द प्लांट, जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं उनका जो विकास होता है या उनका जो वृद्धि होता है डेवलपमेंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं दे 5 सेगमेंट्स। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम इन द मेलेंड्रियम एल्बम, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज इन द पिक्चर द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम हैव अ कॉमन सेगमेंट, सेगमेंट 4 जो है वो कॉमन सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज यूज फॉर द होमोलोगस पेयरिंग ड्यूरिंग द मियोसिस, जो ये 4 सेगमेंट है दिस इज सेगमेंट दैट इज होमोलोगस पेयरिंग जब होता है मियोसिस के टाइम पे, उस टाइम पे बेसिकली यूज आता है। देन रिमेनिंग वाई क्रोमोजोम्स हैज 3 पार्ट्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर द नेम ऑज द सेगमेंट 1, 2, and 3, सिमिलरली द रिमेनिंग एक्स क्रोमोजोम हैज 1 सेगमेंट दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट 5। नाउ सेगमेंट 1 जो है उसके फंक्शन देखते हैं वाई क्रोमोजोम पे, तो वाई क्रोमोजोम का जो सेगमेंट 1 है उसका फंक्शन है कि सप्रेस करता है फीमेलनेस को, मेन रोल मेन मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको, इट इज़ इनहिबिटेड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर इन द फ्लावर, एंड सेकेंड जो है इट इज़ इनिशिएट द एंथर डेवलपमेंट, मतलब ये इनिशिएट करता है एंथर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, एंड थर्ड जो है वो सेगमेंट कंट्रोल करता है कंट्रोल द लेटर स्टेज ऑफ एंथर डेवलपमेंट, एंड सेगमेंट 2nd and 3rd आर द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शनल फर्टाइल एंथर्स, सेगमेंट 2nd क्योंकि इनिशिएट कर रहे हैं एंथर के डेवलपमेंट को, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 3rd इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जो भी लेटर स्टेजेस हैं एंथर डेवलपमेंट की उसको ये कंट्रोल कर रहा है। एंड देन सेगमेंट 4th इट इज ये बताया था मैंने जैसे कि होमोलोगस पेयरिंग जो होता है मियोसिस में उस टाइम यूज होता है, सो द होमोलोगस विद द रीजन ऑफ 4th ऑन एक्स क्रोमोजोम यूज फॉर द पेयरिंग विद वाई सॉरी विथ एक्स क्रोमोजोम ड्यूरिंग द मियोटिक जो भी प्रोफेज रहता है,
उसमें जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो जो ये फोर्थ रीजन है एक्स पे भी और वाई पे भी दोनों क्या करते हैं यूज आते हैं। एंड देन जो वाई क्रोमोसोम्स हैं उसके सेगमेंट उसका फंक्शन देखते हैं। बेसिकली इसमें फोर्थ जो है वो होमोलोगस रहता है विद द रीजन ऑफ जो भी फोर्थ ऑन द वाई क्रोमोसोम के यूज फॉर द पेयरिंग विद द वाई क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोटिक प्रोसेस सेम एज द सेगमेंट फोर्थ इन वाई क्रोमोसोम। एंड देन सेगमेंट जो वी है या मतलब जिसे सॉरी फिफ्थ है एक्स क्रोमोसोम स्पेसिफिक रीजन इट इज अ प्रमोट फीमेलनेस इन द एब्सेंस ऑफ सेगमेंट फर्स्ट ऑन वाई क्रोमोसोम। जब सेगमेंट फर्स्ट जो कि क्या कर रहा था सप्रेस कर रहा था फीमेलनेस को जो वाई क्रोमोसोम है उसमें तो जब वो वाई क्रोमोसोम पे एब्सेंट रहेगा पहला सेगमेंट तो ये जो सेगमेंट फिफ्थ है ऑन द एक्स क्रोमोसोम दिस रीजन इज इट इज अ स्पेसिफिक रीजन इट इज प्रमोट द फीमेलनेस। ठीक है देन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द मेलेंड्रियन एल्बम में अ प्लांट विद द एएक्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन दैट लैकिंग सेगमेंट ऑफ आई मतलब जो फर्स्ट सेगमेंट है ऑफ वाई क्रोमोसोम ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन विल बी बाइसेक्सुअल इन द मैंने ये पहले भी बताया आपको कि ए ए जो एक्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फॉर द फीम सॉरी मेलनेस के लिए बिकॉज यहाँ पर एक एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम है सो बार बार ये एक्स वाई हो रहा है ये वाई क्रोमोजोम याद रखिएगा मेलनेस के लिए मेल के लिए रहता है एंड एक्स जो रहता है फीमेल के लिए रहता है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे लैकिंग हो रहा है अगर सेगमेंट फर्स्ट का वाई क्रोमोसोम में जो कि मैंने बताया था उसका रोल है कि फीमेलनेस को सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पर वो ऐसा सेगमेंट है ही नहीं जो फीमेल को सप्रेस कर पा रहा है तो ड्यू टू द और बिकॉज ये रीज़न क्यों नहीं है यहाँ पर या ये सेगमेंट म्यूटेशन और डिलीशन के कारण हट चुका है तो इस कारण जो भी हमारी प्रोजनी होगी या जो भी सेक्स डिटरमाइन होगा वो क्या होगा बाइसेक्सुअल सेक्स डिटरमिनेशन होगा। इन द एब्सेंस ऑफ सेगमेंट जो फर्स्ट है ऑन द वाई क्रोमोसोम होस्ट फंक्शन इज टू बी सप्रेस द फीमेलनेस एज मैंने बताया आपको पहले द सेगमेंट फिफ्थ ऑन एक्स क्रोमोसोम दैट इज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर इसलिए क्या होगा बाइसेक्सुअलिटी ऑकर होगी। दिस फ्लावर विल नॉट बी अ फीमेल फ्लावर बिकॉज सेगमेंट सेकेंड एंड थर्ड ऑन द वाई क्रोमोसोम इज स्टिल देयर इन द क्रोमोसोम विच प्रोड्यूस द फर्टाइल एंथर इसलिए क्या होगा हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर रहेगा वो प्रोड्यूस होगा। सो इन द मेलेंड्रियम एल्बम क्या होता है फोर रोल्स ऑफ फ्लोरल जो भी ऑर्गन रहते हैं आर द ऑब्जर्व इन द बोथ मेल एंड फीमेल जो भी फ्लोरल मेरिस्टेम्स रहते हैं उसमें मतलब चार रोल्स रहते हैं फ्लोरल ऑर्गन के और मेल एंड फीमेल दोनों में सेम रहता है बिकॉज ये क्या है डायोशियस रहते हैं तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो ऑर्गन्स रहते हैं मेल एंड फीमेल वो होते हैं। दे आर द सेपल्स पेटल्स स्टेमेन एंड कार्पेल्स एट द अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट द फ्लोरल जो भी मेरिस्टेम रहता है इट इज़ कम्प्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड एंड सिमिलर इन द मेल एंड फीमेल प्लांट। वेन द फ्लोरल डेवलपमेंट प्रोसेस देयर विल बी डिफरेंट इन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल जो पार्ट्स रहते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल मतलब अगर सिंपल वर्ड में बताएं कि स्टार्टिंग में दे मतलब जो भी डेवलपमेंट रहता है फ्लावर का वो सेम रहता है मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देते बट जैसे जैसे फ्लोरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जो भी आगे के जो मतलब टाइम रहता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देता है मेल एंड फीमेल प्लांट्स में। इन मेल फ्लावर्स में क्या होता है अस्ट्राइल फिलामेंट्स इट इज़ डेवलप इन द प्लेस ऑफ कार्पेल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये है मेल का कि जो भी स्ट्राइल फिलामेंट्स रहेंगे वो डेवलप होंगे इन द जो प्लेस ऑफ कार्पेल्स में। एंड इन अ फीमेल फ्लावर में डेवलपमेंट ऑफ द एंथर आर द फर्स्ट इनिशिएटेड बट रैपिडली इट इज डिजनरेटेड मतलब एंथर स्टार्टिंग में इनिशिएट होते हैं बट क्या होते हैं वो रैपिडली डिजनरेट हो जाते हैं वेयर एज द फाइव कार्पेल्स आर डेवलप इन द सेंटर यहाँ पर क्या था मेल में कार्पेल नहीं रहेंगे और फीमेल में